सरसई इज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपनीज के सेक्शन 25 के अंडर सेटअप किया गया। तो जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किए जाते हैं अंडर द सरफेसी एक्ट, उन्हें यहाँ पर सरसई में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपने कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया, यानी कि अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन दिया एंड फर्दर आपने उसका चार्ज जो है वो सरसई में रजिस्टर नहीं करवाया, तो आप वहां पर सरफेसी को एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग जो टाइमलाइन थी उनको रिमूव कर दिया कि पहले 30 दिन में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसको रिमूव कर दिया है। अब उससे भी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन है कि अगर आप चार्ज को सरसई में रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी एंड फर्दर आपके लोन के केस में आप सरफेसी के अंडर रिकवरी नहीं कर पाएंगे।